कोई भी और वो अपना एक क्या ना वो मैंने पहले से कह दी कौन सा वो मैंने पहले से कह दी कवाली हाँ कवाली भी चलेगी ना मसीह कवाली भी चलेगी ना हाँ मसीह कवाली हाँ वो भी बढ़िया हाँ करते कि तू हमें उसमें से समझा और हमें सिखा और हमें बुद्धि दे ताकि हम तेरे वचन को और गहराई से समझे ये मांगते तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से आमीन। यीशु कहता है मेरे भेड़ मुझे पहचानते हैं और मैं उसे पहचानता हूँ और मेरे भेड़ मेरी आवाज़ सुनकर मेरे पीछे आएंगी और बाकी ऐसे भी रहेंगे जो इस मेरे नहीं है जो मेरी आवाज़ सुनेंगे और मेरे पास आएंगे। मैं तभी सोचता था कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम जो मसीह में हैं वो हम तो खुश नसीब हैं कि हमें यीशु मसीह मिला पर कैसा हो सकता है कि जो एकदम अंत क्षण तक यीशु मसीह को ना जानता हो लेकिन मृत्यु से एक क्षण पहले उसे यीशु मसीह मिलता है वो यीशु मसीह पे अपना विश्वास बयान करता है और फिर वो जन्म पाता है।
ये हम देखते हैं क्रूस पर। और जब मैंने ये सोचा मैं सोच रहा था इसके बारे में, कितना अनोखा है कि आखिरी क्षण पर हमारा खुदा हमसे इतना, हम सब से, सिर्फ मुझसे या आपसे नहीं, उनसे भी जो अभी भी मसीहत में नहीं है, इतना प्यार करता है कि वो उनको उस आखिरी क्षण तक एक मौका देता है, एक मौका देता है कि आप बेटा अब मुझे कबूल कर लिया। अगर तुमने अब मुझे कबूल कर लिया तो तेरी ये जिंदगी तो गई, लेकिन तेरी ये अनंत जिंदगी जो है वो मेरे साथ हो। लेकिन अगर वो अंत तक भी उस मौके को उसने नहीं इस्तेमाल किया, नहीं किया, तो क्या होता है? नुकसान किसका होता है? नुकसान उस प्यार का होता है जो आखिरी क्षण तक रुका है कि मेरा बेटा मुझे कबूल करे। नुकसान उस लहू का होता है जो आखिरी दम तक क्रूस पर एक चोर को अनंत काल का वचन देकर उसे जन्नत में भेज दिया। नुकसान उस मौके का तो होता ही है, नुकसान वो हर एक जिंदगी के पल का होता है जो खुदा हमें देता है कि हम वापस आए, लौट आए। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हम सब के पास ये मौके आते हैं। कैसे आते हैं? खुदा को कबूल करने के लिए, ना कि सिर्फ लफ्ज़ों से, बोल और चाल चलन से भी। और अच्छी बात यह है कि हम उसके बच्चे हैं ऑलरेडी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम ऐसे बर्ताव करें जैसे कि हम उसके बच्चे नहीं हैं। तो आखिरी क्षण तक हमारे ऐसे कुछ दोस्त होंगे या हमारे जान पहचान होंगे जो हमें लगता है कि इनका कुछ हो नहीं सकता, लेकिन खुदा, वो चोर उचक्के या जो भी हो, खुदा उनको उनके मृत्यु के आखिरी क्षण तक एक मौका देता है। और हमें तो याद रखना है कि वो मौका देने के लिए हमें वो हमें भी इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि हम किसी को वो मौका बताएं कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म तो होने वाली है, बट क्या तुम अनंत ज़िंदगी का गारंटी अभी अभी कर सकते हो? इस क्रिसमस को ये याद रखें कि खुदा सिर्फ हमारा खुदा नहीं है, उन सब का खुदा है जिनसे वो प्यार करते हैं, जिसके से यीशु मसीह दुनिया में आए। हम सब एक मौका है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना है। हम सब एक मौका है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या आप उस मौके के लिए रेडी हो? क्या आप यीशु मसीह के वचन को, यीशु मसीह के प्यार को जो तुम्हारे में है, किसी को बताने की हाँ चिंता रखते हो? क्योंकि अगर तुमने उस मौके को नहीं इस्तेमाल किया तो तुम्हारा जानने वाला अपनी पूरी ज़िंदगी नरक में रहेगा।